ओरे ओरे ओ भागा क्यों खोदा। ये रहा हाइडनर, उस जमाने के चेकबुक रखा हुआ है, उस टाइम की न्यूज़पेपर जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। अगर ऐसा एक बड़ा महल आपको दे दिया जाए और इसमें आपको बोले कि आप रहो इसमें, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये मैं अभी कोलकाता के एक बस में चढ़ गया और हम जा रहे हैं स्प्लेनेट। ये आप सामने हावड़ा ब्रिज देख सकते हो, यहाँ से होते हुए हम स्प्लेनेट जाएंगे। वहाँ से जाने के बाद फिर हम आगे की जर्नी आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये है कोलकाता का पार्क स्ट्रीट जाने का रास्ता। कोलकाता कितनी बिजी है, कोलकाता ट्रैफिक पुलिस। जाने का रास्ता कितना ज़्यादा सन्नाटे से भरा हुआ, कितना शांति। और आसपास देखो ये साइड में जंगल और इधर इस साइड में रोड। ये कलकत्ता की नीली टैक्सी और इस साइड में पूरा जंगल। ये पार्क स्ट्रीट जा रहे हैं हम फिलहाल इस फुटपाथ से होते हुए, और बस एक ही मिनट की दूरी पर है पार्क स्ट्रीट। ये आप देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारा है, इतना ज़्यादा पेड़ पौधे रोड पे। वाकई में यहाँ का ऑक्सीजन बहुत ही अच्छा। अभी हम लोगों ने विद्यासागर सेतु के लिए बस ले लिया है, बस से हम चलेंगे विद्यासागर सेतु और वहाँ पे बोटिंग करेंगे, बोटिंग का मजा लेंगे। जो आप सामने देख रहे हो ये है एलियट पार्क। ये है फेमस विद्यासागर सेतु, यहाँ से बोटिंग होती है। मैं भी बोटिंग करने आया था लेकिन बोल रहे हैं कि एक आदमी जाते नहीं है, तो मैं तो अकेला ही हूँ। चलो रे जोदी दूर दाक्षोने क्यों ना, चलो रे তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। यहां पे सारी बोटिंग्स, यहां से सब लोग बोटिंग के लिए जाते हैं। मिनिमम अच्छा, आप लोग अगर बोटिंग करने के लिए आओ तो मिनिमम दो आदमी चाहिए होता है। अगर आप सिंगल हो तो आपको बोटिंग के लिए नहीं लेके जाएगा, बोलते कि वहाँ पे अलाउड ही नहीं है एक आदमी को लेके। मिनिमम दो होना चाहिए, मिनिमम दो। यदि क्यों कथा ना कोई ओरे ओरे ओ भागा क्यों कथा ना कोई, यदि सबाई थाके मुख फिराए सबाई करे भय, यदि सबाई थाके मुख फिराए सबाई करे भय, तबे परान खुले आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। देखो नीचे पानी बह रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, यहाँ पे बोट है। ये इधर देखो, इधर है रविंद्र सेतु, इधर है विद्यासागर सेतु। ये रहा हाइडनगढ़। शिकंजी कैसे दिया? सोडा दे के 20 रुपया, पानी दे के 15-10। पानी दे के 10 वाला दो। ये रही इनकी शिकंजी की दुकान, शिकंजी बना रहे हैं। जो ईडन गार्डन इंटरनेशनल स्टेडियम है, और यहाँ पे इस साइड में स्टेडियम है, और इस साइड में देखिए रोड्स हैं, और ये शिकंजी बन रही है। हाँ हाँ दीजिए, ये दादा का पोस्टर, द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। यहाँ पे देखिए कपिल देव जी है, सारे। ये है ईडन गार्डन स्टेडियम का बाहर साइड। अंदर साइड आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि अंदर साइड जाने नहीं देगा। नॉर्मल टाइम के जब मैचेस नहीं होते तब अंदर जाना अलाउड नहीं है।
स्टेडियम की लाइटें देखते हो अपने टीवी स्क्रीन से, वो ऐसी लाइटें होती है। आज ये नज़दीक से देख लो इडन गार्डन स्टेडियम के लाइट्स, और ये इडन गार्डन स्टेडियम के लाइट्स के नीचे बैठा हुआ शिकंजी वाला। अब हम विक्टोरिया मेमोरियल जा रहे हैं, आप रास्ता देख सकते हो, फुटपाथ जो है इतना बढ़िया है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, साइड में कहीं पर आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी, और आप यहीं से देख पा रहे हो विक्टोरिया मेमोरियल। मैं आपको अंदर जाके भी दिखाऊंगा, बट आप यहीं से देखो कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये रास्ता है जिस रास्ते से हम चलते हुए जा रहे हैं, और यहाँ पे जो ये चैरियट वगैरह, जो घोड़ा गाड़ी बोलते हैं इसको, एकदम राजा महाराजा वाली फीलिंग आएगी आपको इसमें चढ़ने के बाद। ये जस्ट ऐसे ही लोग मतलब शो के लिए थोड़ा सा इधर यहाँ से थोड़ा सा इधर तक चलते हैं, फिर उधर से इधर तक ऐसे ही चढ़ते। ये ऐसे ही रखा हुआ है, ये कहीं जाने के लिए नहीं है, ये जस्ट फॉर बाहर से जो लोग आते हैं जिनका शौक़ होता है कि चलो घोड़ा गाड़ी चढ़ते हैं, उनके लिए रखा गया है, थोड़ा सा राजा महाराजा वाली फीलिंग देने के लिए। ये घोड़ा गाड़ी विक्टोरिया के सामने वाला, यहाँ पे आप इसके टिकट कुछ है 100-150 रुपया है। ये घोड़ा गाड़ी आपको नज़दीक से दिखाते हैं, यह है विक्टोरिया के गेट। हम गेट से एंट्री लेंगे, एंट्री टिकट काटना पड़ेगा यहाँ पे देख। तो ये मैंने ले लिया टिकट, देख सकते हो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, 30 रुपये का टिकट पड़ा है विक्टोरिया मेमोरियल। आसपास के देखो गार्डन्स वगैरह कितनी बढ़िया दिख रही है ना। इधर देखो बैठने उठने के लिए जगह है, पार्क वगैरह लगा हुआ है ना। और ये है विक्टोरिया मेमोरियल। कितना बढ़िया नज़ारा है, पेट्स नॉट अलाउड पार्क है ये, साइड में आप बैठ सकते हो, चेयर वगैरह रखा हुआ है, आराम से बैठ के आप यहाँ पे टाइम पास कर सकते हो। ये है विक्टोरिया मेमोरियल, देखो कितना प्यारा है। ये महारानी विक्टोरिया का स्टैचू, जिसके वजह से ये विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है। यहाँ पे तो एक भारत का झंडा दिख रहा है आपको, छोटी सी भारत का झंडा, जो पहले यहाँ पे ब्रिटिश का झंडा था। यहाँ पे एक झील भी है। कमेंट करके बताओ अगर ऐसा एक बड़ा महल आपको दे दिया जाए और इसमें आपको बोले कि आप रहो इसमें, तो आपको कैसा लगेगा। वाकई में यार इतना बड़ा महल है, अंग्रेज़ों ने कुछ कमाल कर दिया। अभी के ज़माने में अगर ऐसा बड़ा महल बनाने जाए तो हो गया शायद। विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर यहाँ पे देख रहे हो आप सिक्योरिटी चेकअप, शायद अंदर फोटोग्राफी अलाउड ना करे। तो अगर अंदर अलाउड होगी तो आपको मैं अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा, अगर नहीं होगी तो क्या कह सकते हैं, बैड लक। दोस्तों आपका भी गुड लक ही है, क्योंकि अभी अभी मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, उन्होंने कहा कि जो फोटोग्राफी है वो अलाउड है। चलिए आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी गार्ड बैग से लेके सब कुछ चेक करेंगे, उसके बाद हमें अंदर जाने देंगे। ये तोपे रखी हुई है मेमोरियल के सामने एकदम। हम अभी अंदर आ गए, चांस अभी मेरा चेकअप होगा, चेकअप हो गया, अभी हम अंदर चल रहे हैं। आप देखो अंदर का नज़ारा कितना बढ़िया, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे एक एक करके। यहाँ पे जय हिंद का इतना बड़ा, यह है विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर की तस्वीरें, सारे जो पुराने फ़ोटोज़ हैं वो रखी गई है, पुराने फ़ोटोज़। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे बंगाली में, UN मजुमदार परिचय पत्र। यहाँ पे देखो नेताजी जब जर्मनी के बर्लिन में थे
तब के फोटोज यहाँ पे सब कांच के इसमें रखे गए हैं, छूना अलाउड नहीं है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये 1941 का नेताजी का फोटो, ये भी नेताजी का फोटो। ये अंदर के हॉल में मैं एंट्री कर रहा हूँ, देखो आप कितना बड़ा हॉल है। ये देखो ऊपर का नज़ारा देखो, और यह साइड में देखो। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्टर स्क्रीन में दिखाया जा रहा है जब नेताजी का जो आज़ादी के लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या कितना संघर्ष किया, वो सब कुछ दिखाया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख सकते हो। ज़्यादातर 99% चीज़ें जो है यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है। ये देखो ये जो लेटर लिखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वो लेटर पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखो कितना बड़ा हॉल है, ये जाके ये मतलब तीन तीन आदमी एक साथ अगर एक के ऊपर एक खड़े हो जाए तो भी जाके ये जो दरवाज़ा है ये टच नहीं करेगा। यहाँ पे एक और फोटोज़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक लाइक तो बनता है, उन्होंने इतना कुछ किया हमारे देश की आज़ादी के लिए, है ना। ये देखो नेताजी का मेडल लेके जो है फोटो, वाकई में दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया महल है, बहुत ही बड़ा महल है। मैं तो यहाँ पे पहले भी आ चुका था, करीब आज से 10 साल 15 साल पहले की बात है मैं यहाँ पे आ चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो ये सारे एकदम ओरिजिनल कॉपीज जो है जहाँ पे टाइप किए हुए हैं, उनका जो सारे जो दस्तावेज है जो उन्होंने टाइप किए थे कुछ ऑफिशियल, जैसे देखो होम डिपार्टमेंट नवंबर 1920, सब ओरिजिनल चीज़ें यहाँ पे रखा हुआ है। या पेंटिंग्स देखो कितना लाजवाब। ये जो ओरिजिनल मॉडल है जो वर्ल्ड एमर्सन ने बनाया था, वो ये ओरिजिनल मॉडल यहाँ पे रखा गया है। यही मॉडल देख के ये जो बड़ा मेमोरियल है, बड़ा विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया है। ये आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कितना एक्यूरेट बनाया है ना। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स देख सकते हो। ये ताजमहल का पेंटिंग है, ये पेंटिंग देखो आप कितना ओरिजिनल लगता है ना। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जैसे कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पेंटिंग्स है, और कितनी बड़ी पेंटिंग्स है आप देखो। और ये पियानो, पियानो देख सकते हो इतना बड़ा पियानो, ये पियानो के बारे में भी है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है द रोजवुड ग्रैंड पियानो फोर्ट N69 वॉज मेड बाई SNP एरर्ड लाइसेंस बाई किंग लुइस, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने का पियानो है ये। ये एक और पेंटिंग है, देखो कितना एकदम ओरिजिनलिटी भर दिया है। यहाँ पे लिखा है कैमरा तो आप यूज़ कर सकते हो लेकिन फ्लैश यूज़ नहीं कर सकते। देखो ये पेंटिंग आप देख सकते हो उस ज़माने की ओरिजिनल जो बंदूक यूज़ होती थी वो बंदूक रखा गया है। देखा दोस्तों इस तरीके की बंदूक उस ज़माने में यूज़ होती थी। यहाँ पर लिखा हुआ है बंदूक का नाम एनफील्ड बंदूक कार्बाइन कैवेलरी, प्रथम विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था, निर्माण की विधि तिथि 1865 से 1868, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये इस तरीके की बंदूक यूज़ होती थी। देखो आपने फिल्मों में देखा होगा लेकिन यहाँ पे आप साक्षात देख पा रहे हो। इधर देखो छत, देखो यहाँ का कितना बढ़िया है ना छत। ये देखो चारों तरफ जो है स्क्रीन चल रही है, चारों तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो जो स्वतंत्र सेनानी के जो उस टाइम के जो
चीज़ें हैं उस टाइम में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो जो किया है वो सारी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, चारों तरफ, हमारे चारों तरफ देखो स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। मिडिल में आप शायद देख नहीं पा रहे हो, यहाँ पे एक आईना है जहाँ से चारों तरफ दिख सकता है। दोस्तों ये जगह देख रहे हो, ये क्रॉसिबल गेट यहाँ पे बंद कर दिया गया है, यहाँ पे सोफा रख दिया गया है, ये क्रॉसिबल गेट बंद है। इस क्रॉसिबल गेट से ऐसी जगह से जाती ये जो ऊपर है ये अंदर अंदर ये घर है, यहाँ पे महारानी विक्टोरिया और ये जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो जो थे जो राजा महाराजा थे वो लोग रहा करते थे, ये जगह उनके जाने का द्वार था। इस जगह को सोफा से बंद कर दिया गया, ये देखो सीढ़ी से पहले यहाँ से जाते थे और गेट से अंदर जाके फिर ये लोग अंदर जाके अपने घर में रह सकते थे। ये जो आप देख पा रहे हो विक्टोरिया मेमोरियल, ये बेसिकली एक घर है और अभी इसमें कोई नहीं रहता, अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता, अभी सिर्फ लोग देखने आते हैं इसको और बस लोग देख के चले जाते हैं। क्या आप देख पा रहे हो ये जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त है ये एक आईना है, ये देखो है ना, ये उनका घर का रास्ता था। क्रॉसिबल गेट अभी बंद कर दिया गया है, किसी को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन ऐसे तीन चार रास्ते हैं जहाँ से वो लोग अंदर जाते थे, अंदर जाके अपने अपने घरों में रहते थे। ये है उस टाइम के वर्दी, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पे देखो उस ज़माने के चेकबुक रखा हुआ है, द टोकोहोमा स्पेसिफिक बैंक लिमिटेड बैंकॉक, उस ज़माने की चेकबुक है ये, और ये सब ऑफिशियल दस्तावेज जो उस ज़माने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ज़माने में, ये उस ज़माने के तलवार है, ये डाक टिकट वगैरह, ये उस टाइम के न्यूज़पेपर है देखो, आज़ाद हिंद इंग्लिश एडिशन, उस टाइम के न्यूज़पेपर जो आपने कहीं नहीं देखा होगा, देखो आज़ाद हिंद टाइम का जो हिंदुस्तान टाइम्स का जो न्यूज़पेपर है उसमें सुभाष चंद्र बोस के नाम पे क्या लिखा हुआ था, सुभाष चंद्र बोस डिसअपीयर्स द हिंदुस्तान टाइम्स मिसिंग सिंस संडे। तो ये न्यूज़पेपर में उस टाइम के न्यूज़पेपर में आया था। अब हम डेट देख लेते एक बार, दिल्ली एडिशन, डेट कौन सी है आप देख सकते हो, डेट ये देखो, डेट ट्यूजडे जनवरी 28, 1941। हम बाहर आ गए, ये आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा वाकई में बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों मेरी कोलकाता जाने की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग देखते नहीं हो। तो आने वाली जो भी और भी कई सारे प्लेसेस जो मैंने विजिट किए हैं उसके लिए सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ट्रैवल करते रहिए और मेरे साथ देश दुनिया के और भी कई सारे चीज़ों को देखते रहिए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताओ कि आपको कोलकाता के इस पार्ट में कौन सी चीज़ें सबसे अच्छी लगी। ठीक है, मिलता हूँ आपके कोलकाता के दूसरी पार्ट में, तब तक के लिए बाय।